हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ कोफ्ता रेसिपी। बकरीद नज़दीक आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है और बनाया भी जाता है। तो मैं आप सबको अपनी स्टाइल से कोफ्ता रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है गाइस, और बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिल्कुल बिल्कुल गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मुझे, और बहुत ज़्यादा यमी बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं रेसिपी। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया, और गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई गर्म होने देंगे, और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ 8 से 10 पीस लगभग काजू, और इसमें हम डालेंगे आलमंड भी। तो दोनों को हम यहाँ पे ऑयल डाल के उसे हल्का सा बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है। यह देखिए मैंने यहाँ पर निकाली आलमंड भी, और यहाँ बिल्कुल थोड़े से ऑयल इस्तेमाल किया मैंने, सरसों तेल डाला है, और यहाँ पर मैं काजू भी डाल रही हूँ, और इसे थोड़ा सा बिल्कुल गोल्डन करेंगे। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो बिल्कुल महीन पीसना है, बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बनाना है आप सबको। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट ब्राउन हम भुनेंगे इसे। तो हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते रहें, वरना छोड़ देंगे तो जल जाएगा, इसलिए आप चलाते रहें। मेरी मिक्सर ख़राब हो गई गाइस, तो मैं यहाँ पे अमल दस्ते में कूट रही हूँ। तो ये देखिए मैं उसी में डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आप इसे जार में पीस लें अच्छे से। और यहाँ पर हम थोड़ा और ज़्यादा सरसों ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा सरसों तेल डाल रही हूँ, क्योंकि अब आप बारी आ गई है मसाला फ्राई करने की। तो ये देखिए मैंने लगभग 100 ग्राम तेल ऐड किया है, और 3 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, और हम अब तेल में डाल दिए हैं। अब इसे हम तड़कने देंगे, और जब तक ये तड़कता है हम इधर प्याज काट लेते हैं, तो बिल्कुल मीडियम साइज़ की, और प्याज भी हम डालेंगे इसमें। और प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो हम मसाले सारे ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने प्याज काट लिया, और मैंने एकदम बिल्कुल फाइन काटे, आप फाइन चॉप करें, और मैंने ऐड कर दिया है। अब प्याज को बिल्कुल गोल्डन मतलब होने देंगे ब्राउन। तो अब उसके बाद हम मसाला ऐड कर देंगे। मसाला में हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याजें पीस लिए थे। तो ये देखिए गाइस ये मसाला, तो मैं ये मसाला ऐड कर रही हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे मसाला को ऐड कर दी हूँ, बाकी के सारे मसाले भी हम डालेंगे। तो यहाँ अंदाज जितना आपको ग्रेवी रखना है, तो मैं नाइट का खाना था क्योंकि मैं इसके साथ रोटी लेने वाली थी, इसलिए मुझे थोड़ा कम ही ग्रेवी चाहिए था इसलिए। तो गाइस अब मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, और मैंने कम मसाला थोड़ा सा इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं रोटी के साथ लेने वाली, अगर चावल के साथ आपको लेना है तो थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा मसाला इस्तेमाल करें, तो ग्रेवी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे मैं काश्मीरी भी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जितना आप तीखा रखना पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अब डाल रही हूँ जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, और अब मैं यहाँ पे छुरी से ही निकालते जा रही हूँ, क्योंकि चम्मच मतलब मैं सॉल्ट बना रही हूँ, तो मैं सोचा कि चलो आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो ऐसा है, धनिया पाउडर मैंने डाला, अब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब हम डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाला काफ़ी सूखा सूखा सा हो गया था, तो शायद नीचे से जल सकता था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम इसे इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। और यहाँ मैंने गोलकी पाउडर ऐड किया है बस। अब चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो गाइज यहाँ पे मेरा मसाला भुनाई हो रहा है अच्छे से, हम इसे भून लेंगे। अब हम चलते हैं कीमा की ओर। मैंने यहाँ पर 1 पाव मेरा मटन कीमा है, अब यहाँ पर गोलकी पाउडर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 चम्मच खाने का चमचा जो होता है उससे 1/2 चम्मच। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल सॉल्ट ले रही हूँ, क्योंकि इसमें नमक आ जाए, क्योंकि मसाला में भी नमक डाला हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली डाला है और चॉप किया हुआ। यहाँ पे मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और जो मैंने मसाला पीसा था अदरक लहसुन
और उसमें प्याज है, वैसे आप अदरक लहसुन डालें, मैंने साथ में प्याज पीस लिया था तो इसलिए मैं यही पेस्ट इस्तेमाल कर ले रही हूँ। प्याज कोई ज़रूरी नहीं, आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें इसमें। अब हम इसका, मैं बर्तन यहाँ ज़्यादा गंदा ना हो इसलिए मैं इसी बर्तन में मतलब मिलाना स्टार्ट किया। आप कोई बाउल ले लें, उसमें अच्छे बाउल ले लें, उसमें अच्छे से मिलाएं। तो ये देखिए मैं इसी में मिला रही हूँ और ये मेरा बिल्कुल मैंने मिला लिया। अब हम यहाँ पे मसाले में ऐड कर रहे हैं दही, क्योंकि दही के बिना तो कोफ्ता बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है आपको, बिल्कुल 50 ग्राम दही डालें। तो हम दही को अच्छे से बीट कर लेंगे, उसके बाद हम मसाले में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैं दही डाल रही हूँ और हम इसको अच्छे से कांटे वाले चम्मच से हम बीट कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है गाइस। तो इसलिए मैंने कांटा के चम्मच से फेंटना मुझे अच्छा लगता है, आप चाहे जैसे मिलाए। तो ये देखिए मैं अपना दही को बीट कर रही हूँ और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले में दही, और हम दही डाल के भी अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल ना आ जाए। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँगी, जो काजू और बादाम मैंने पीस लिया था उसे भी हम डाल लेंगे, और उसको भी मतलब दोनों साथ में अच्छे से भुनाई कर लेंगे मसाला के साथ जब तक ऑयल ना छोड़ दे। और थोड़ी सी बिल्कुल मैं पानी भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए काजू बादाम का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए मैं काजू बादाम का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसको मलदस्ती को धुलकर मैं यहाँ पे पानी डालूँगी, जो भी उसमें लगा हुआ सब मसाले में आ जाएगा और बहुत ही यमी बनता है गाइस, आप यकीन करें। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत ज़्यादा यमी बनेगा, आप खाने वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बना था गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये देख सकते हैं, और सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिला दिया। अब जो दही लगी हुई कटोरा मैं उसमें भी थोड़ा सा पानी लेकर उसे भी हम इसमें डाल लेंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने कटोरों को अच्छे से धुल लिया और इसमें दही वाली भी पानी डाल दी। तो अब हम इसे भी डालकर अब भूनेंगे 2 से 3 मिनट में, बहुत ही अच्छे से भून जाता है और मसाले जो है अच्छे से ऑयल को छोड़ देता है। तो ये देखिए मैं फ्रेश क्रीम निकाल रही हूँ, दूध मैंने उबाल रखा है और यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम निकाला है। गाइस देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा से भून गया है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं गोलियाँ बना रही हूँ और ये खाने वाली गोलियाँ हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ जो है बिल्कुल छोटा छोटा करें, ज़्यादा बड़ा नहीं करें, क्योंकि ये मसाले में जाने के पकने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हो जाता है, इसलिए आप छोटे छोटे बनाएं, मतलब बिल्कुल ज़्यादा छोटा नहीं, बड़ा मीडियम साइज़ की। तो ये देखिए मैं सारी गोलियों को तैयार कर लूँगी, अब मसाला बिल्कुल रेडी। आप मसालों को देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑयल ऊपर ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर सारी गोलियाँ उसमें डालेंगे, ऐड कर देंगे गोलियां और पकने देंगे 10 मिनट के अंदर में, अब ये रेडी होने वाला है गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे हम बाकी के जो चीज़ें डालना है मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, और थोड़े से मैंने डाला है यहाँ पर कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके हम डालेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा आता, खुशबू अच्छी आती, इसलिए आप चाहें तो इस्तेमाल करें, वरना आप ना भी डालें कोई बात नहीं, पर इससे खुशबू खाने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा पानी ऐड करी, मतलब बिल्कुल 1/2 कप मैंने पानी डाला। अभी हम यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा हम मतलब सूखा मसाला रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़े से फैले हुए मसाले रहेंगे तो कोफ्ते का जो गोलियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से बैठेगी। ये देख सकते मैंने सारे को बैठा भी लिया है, यहाँ ढक्कन लगा के हम इसे बंद कर देंगे और 5 मिनट पकने देंगे, क्योंकि कोफ्ता खुद बहुत पानी छोड़ता है। तो अब देखिए 5 मिनट के बाद इसका लुक, रुकना वीडियो बना रहे हैं, अरे मोबाइल उस साइड रखा हुआ, इस साइड से हम वीडियो बना रहे हैं, रुकना तू जूम करे थोड़ा। तो गाइज़ ये देखिए कहते हैं लोग कि पहले इंसान आँखों से खाना खाता है उसके बाद मुंह से खाता है, तो वो वाला लुक आ रहा है बिल्कुल, एकदम देखकर लगता होगा आप सबको भी कि कितना ज़्यादा यमी बना है ना।
तो ऐसा है और बहुत ही यम्मी बना था गाइस, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी और व्लॉग देखने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस। और ये देखिए मेरा कोफ्ता बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम और ग्रीन चिली और हरा धनिया, और बिल्कुल रेडी है। एक मिनट में इसे मिला लेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। खाएँ आप चावल दही, ये जो मैंने फेस क्रीम निकाला था ना उसे को मैंने बीट कर लिया था अच्छे से, तो ये देखिए वही क्रीम है। ये आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिला लिया है और बहुत यम्मी। चलिए हम जल्दी मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना ज़्यादा यम्मी टेस्टी लग रहा है गाइस। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल।